आप लोग सब, तो वेलकम टू वरुण ट्रैवलॉग। अभी हम लोग लखनऊ में, तो दिस एपिसोड वी विल बी एक्सप्लोरिंग इन लखनऊ। तो हर जगह वी विल मोंट बी गेन यू, लखनऊ बहुत ही बड़ा है, तो सेलेक्टेड पॉइंट्स विल बी विजिटिंग। तो सबसे पहले वी विल बी गोइंग टू इमामबाड़ा। सो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा है, सो वी विल बी गोइंग देयर। तो मेरा कसिन यहाँ पे, सो वी विल बी टेकिंग ए बाइक राइड थ्रू द सिटी एंड आई विल शो यू ऑल द ग्लिम्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव फन। पहुंच गए हैं लखनऊ। आपको पता होगा लखनऊ नवाबों का जगह है, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ऑल द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर हियर। तो अभी हम लोग इमामबाड़ा करके जगह है, तो इसका हिस्ट्री क्या है वी विल बी जस्ट चेकिंग इट आउट एंड वी विल लेट यू नो सो। ओके, तो आप तब तक के लिए बाहर का नज़ारा लीजिए एंड वी विल बी शोइंग यू फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। इमामबाड़ा लखनऊ की बहुत ही फेमस बड़ा इमामबाड़ा, इमामबाड़ा ही बोलते हैं इसमें, बड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों ही है। नहीं दोनों नहीं है। इसमें नहीं है, अच्छा छोटा इमामबाड़ा थोड़ा आगे, अच्छा छोटा इमामबाड़ा थोड़ा आगे है और ये है बड़ा इमामबाड़ा। 1984 तो इसीलिए शायद इसे भूल भुलैया भी इसे बोलते हैं, राइट? तो दैट इज द रीजन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन, देखा होगा बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, यहाँ पे एक खासियत और है, यहाँ पे एक इनका वेल है, कुआं है। अच्छा, कुआं भी बंद है। वो सुना है मैंने कि उससे डायरेक्टली आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली? हाँ दिल्ली, वो रास्ता जाता है डायरेक्टली। अच्छा, वो बंद कर दिया गया कुआं। अच्छा, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिखेगा अभी। अच्छा, थोड़ा खराब होगा, गंदा होगा। ओके ओके, लेकिन कुआं आपको दिखाएंगे। ओके ठीक है, देखते हैं। इसका एंट्रेंस बड़ा इमामबाड़ा के एंट्रेंस से है, वहाँ से हम लोग चल के आते हैं उधर से। उधर से चल के आके यहाँ पे एक मॉस्क दिखता है और यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा का एंट्रेंस है। माना जाता है कि ये जो बनाया गया सीमेंट या ऐसे सब का कोई मिस्ट्री से नहीं बनाया गया, ये क्या किससे बनाया गया? मूंग और मसूर की दाल से। मूंग दाल और मसूर दाल से, आई मीन इमेजिन जो हम लोग खाते हैं उसी चीज़ से दे हैव बिल्ट दिस बिग बिल्डिंग, आई मीन ये इमामबाड़ा जो इमारत है ये बनाया गया है। और इसका कॉस्ट एस्टिमेट कितना? कॉस्ट एस्टिमेट जहाँ तक मैंने सुना है नियर अबाउट हाफ मिलियन टू अ मिलियन रुपीस। तो इट्स रियली 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 ह्यूज। तो ये है इसका थोड़ा आर्किटेक्चर। अंदर वैसे थोड़ा अंधेरा है, तो आई गेस कैसा उसका शूटिंग कैसा मिलेगा मुझे पता नहीं। एनी वी विल ट्राई टू गेट द मैक्सिमम ग्लिम्स पॉसिबल और आपको और भी इसका अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो अंदर चलते और देखते क्या क्या। इमामबाड़ा का मेन हॉल एक्चुअली दो है, एक बाहर और एक अंदर है। आप देख रहे हो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा लाइट है,
इसका रीज़न ये बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे बहुत, जैसे कि पीछे शीशा देख रहे हैं, शीशा है और यहाँ पे ये शीशा, और यहाँ पे ऐसे शैंडलियर्स है, बहुत सारे शैंडलियर्स है। तो पुराने ज़माने पे इस शीशे पर सनलाइट या फिर जो इसका जो लाइट वो लाइट पड़ती थी उससे रिफ्लेक्ट होकर ये पूरा एकदम रोशनी हो जाती थी। हाँ, जगह के ऊपर रोशनी लगे इस पेलो कैंडल्स लगाते थे और शाम के टाइम में, दिन में सनलाइट पड़ता था सनलाइट पूरा। अभी मेरा खराब हो गया, बहुत साल पुराना हो गया, खराब हो गया, 2000 ईयर्स अभी ऑपरेशन है, 2000 ईयर्स लगभग, या अप्रॉक्सीमेट 2000 ईयर्स हो गया तब से रखा हुआ है, और अभी ये थोड़ा खराब हो गया, इसमें जो कलर खराब हो गया तब से रखा हुआ है, इसीलिए अभी ये वर्क नहीं करता। अगर ये नया होता तो हो सकता वर्क करता। तो ऐसे बहुत सारे शीशे रखे हुए लाइन से, तो इसे रिफ्लेक्शन होके इस रूम में लाइट होती थी। तो दैट वाज द टेक्नोलॉजी यूज दैट टाइम, रियली अमेजिंग राइट। तो और भी देखते हैं, इधर ऊपर आपको दिखाई देगा, ऊपर देर आर ओपनिंग्स, तो वहाँ पे लोग बैठते थे। इसके एकदम भी ऊपर टॉप में भी यू हैव डोर्स एंड मेनी थिंग्स, तो यहाँ पे दरबार या कुछ हुआ करता, मीटिंग्स हुआ करते थे, तो पीपल कैन सिट ओवर देयर ऊपर में एंड दे कैन अटेंड दिस प्रोग्राम, इट इज़ वेरी नाइस। सो और भी आगे चल के देखते हैं और क्या है। किसने बनवाई थी ये? आसिफ उद्दौला ने बनाया थे, उनका ही उन्हीं का कबर है, कबर है ये। तो आप जैसे देख रहे हो ये जगह पे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, और ऊपर बैठ के रानियां या फिर जो बच्चे लोग शोर शराबा कर रहे हैं, रानियां या फिर जो लोग रहते थे वो लोग वहाँ बैठ के ये प्रोग्राम देखते थे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये जो एक ओपनिंग है, इट इज़ विजिबल, यहाँ से सनलाइट आ रही है, यहाँ से सनलाइट आके वो सीधे इट इज़ फॉलिंग इन द ऑपोजिट वन, और वो यहाँ पे आके गिर रही है। सो मीन्स इट्स ऑलवेज लिट अप। सो सिमिलरली और भी सब डोर से ऐसा सनलाइट आती है, तो आप हाँ अभी तो फिलहाल ये सब ज़्यादा कुछ खुला नहीं, अगर ओपन होता तो एवरी सभी म्यूचुअली ऑपोजिट है और सब पे सनलाइट गिरती है। तो इट इज़ वेरी नाइस दैट वो लोग हाईलाइटेड रहते थे हमेशा, और नीचे की तरफ द प्रोग्राम्स एंड ऑल दिस थिंग्स वेयर हैपनिंग, दैट इज़ वेरी नाइस। उस ज़माने में ऐसा एक टेक्नोलॉजी किया गया था। स्टीप स्टेप है, बहुत ऊंचा है, तो ऊपर जाएंगे, इट्स ऑल यहाँ zigzag बेस है राइट, तो zigzag बेस है, तो अंदर जाके देखते और कैसा है, मजा आएगा। भूलभुलैया शुरू होता है, हम लोग एकदम ऊपर आ गए हैं। आप लोग दिखा देखा है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस है जिसके अंदर हम लोग जाने से इट्स सेफ दैट हम लोग भूल जाते हैं रास्ता, खो जाएंगे इतने रास्ते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सेम एग्जैक्टली तो खो जाएंगे। तो बहुत सारे अंदर ऐसे रास्ते, तो पीछे भी देखा जाता है ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस टाइप का है, तो यहाँ भी है, आगे भी बहुत है, देख रहे आगे भी बहुत है, तो अंदर भी अंदर ऐसे ऐसे जिगजैग है, ऐसा एक और फ्लोर ऊपर भी है, तो हम लोग और भी आके जाके देखते हैं और क्या क्या है।
जैसे कि आप नीचे बता रहे थे जहाँ से डायगोनली एक दूसरे सीट्स पे लाइट पड़ती है ये वही है, पर इसको बंद करा दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी आप देखें थोड़ी थोड़ी लाइट इसके इस पे सरफेस पे तो ये एक्चुअली बंद कर गया है। ऊपर से देखे वो ये ईटर लगा के बंद किया गया। जब ओपन रहता था तो एकदम इसके ऑपोजिट से इस डोर से अंदर हॉल के अंदर लाइट जाती थी। तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल। फिर नीचे जा रहे हैं तो देखते हैं कहाँ पहुंचता है। अभी तो सही में भूल भुलैया लग रहा है। ओ यहाँ रास्ता बंद हो जाता है। ओ अच्छा यहाँ आकर रास्ता बंद हो जा रहा है और आगे नहीं जा सकते। इस साइड में है कि नहीं देख? नहीं खाली बंद है। अच्छा बंद है तो वही इसका एक खासियत। हम लोग सोचेंगे कि नीचे जाके रास्ता मिलेगा तो नहीं मिलता है, इसीलिए इसको भूलभुलैया कहा जाता है। बंद है। अच्छा ये भी बंद है। तो फाइनली ये भी बंद निकला। तो चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं। विद्या बालन जो दौड़े थे भूल भुलैया मूवी ना, ऐसा लग रहा है ना, तो भूल भुलैया ही है। तो हम लोग अभी ये रास्ता जाके देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। एकदम ही भूल भुलैया हम लोग रास्ता आके समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अंदर जाके देखते हैं कहाँ पहुँचता है। ठीक है और भी अगर अंदर एकदम अंधेरा है तो रास्ता जाके देखते हैं कैसा है। तो अभी हम लोग अभी डेड एंड में पहुंच गए। यहाँ पे देखो एकदम रास्ता खत्म हो जाता है। जिस रास्ते से हम लोग आए यहाँ आते ही एकदम खुल के सीधे हॉल में आता गिरता है एकदम नीचे, एकदम बहुत ही हाइट में। तो इट वॉज वेरी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे जो ये लोग सिपाही लोग थे राजा लोग थे उनको रास्ता याद करने में कितना टाइम लगता होगा कि मैं कहाँ जाऊँ तो मैं यहाँ निकलूँ। सही बात है। अगर कोई इमरजेंसी हुआ कुछ ऐसा आ गया कि मुझे तुरंत जाना है तो मैं कैसे भागूंगा। सही बात है। बहुत ही कन्फ्यूजन है भाई। बहुत ज्यादा अभी देखते हैं कैसे बाहर निकलना है। वी विल ट्राई। तो चलो और देखते हैं। निकलते
नीचे आंगन में आ गए हम लोग थोड़ी देर पहले उस कॉर्नर से ऊपर से हम लोग वीडियो लिया था नीचे की तरफ का। अभी एक्चुअली नीचे आ गए, अभी भी पीछे की तरफ के आंगन में आए हैं, अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। देखिए कितना डोर है, तो यहाँ पे कोई भी डोर आप यू कैन ऑप्ट इट। सो एनीवे आगे चल के देखते हैं। मुझे लग रहा है, हमें लगता है कि ये जो ऐसा जो ये पाप दिया गया है यहाँ पे पानी भरने का कोई नहीं, पानी का है और यहाँ पे गैप्स है, ये छोटा छोटा जो गैप्स दिख रहा है वो एक्चुअली सनलाइट के लिए है। वहाँ से लाइट जाके जो बताया था हम लोग को बताया था सनलाइट जाके उससे एकदम हॉल के अंदर तक लाइट मिलती है, राइट, तो दैट इज़ फॉर सनलाइट। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मानना पड़ेगा उस समय का कंस्ट्रक्शन इट इज़ सुपर निंजा टेक्नोलॉजी, सुपर निंजा टेक्नोलॉजी उस ईयर का। तो देखते हैं और क्या है, बहुत ही पानी लेके आना चाहिए था, पानी में लेके आना चाहिए, मिल जाएगी इतना सब कुछ है देखने के लिए तो ज़रूर मिल जाएगा। तो अंदर लाना नॉट अलाउड। ठीक है, चलते हैं देखते हैं कैसे बाहर निकले, लेट्स ट्राई, होप सो जल्दी निकल पाए। आप लोग जो ये जो देख रहे हो ये जो होल है तो ये एक्चुअली एकदम अच्छा खासा डीप है, तो माना जाता है, मुझे पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, अगर गलत हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, जितना माना जाता है कि ये एक एस्केप रूट था। मैं अभी जैसे एक जन से पूछा वो बता रहे थे कि ये एक एस्केप रूट था, जो कभी कुछ दंगे हुए कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लोगों को अटैक हुआ तो उन लोग को एस्केप होने के लिए एक सेफ जोन था ये, तो वहाँ से सिपाही लोग या फिर जो लोग थे यहाँ पे वो लोग एस्केप होने के लिए, वो एक इधर है एक उस लास्ट में एक है, जैसे दो टो है इधर उस टेरेस में, तो यहाँ से डीप है वो, बहुत डीप है, डीप भी है, राइट। बट क्वेश्चन ये होता है इतने भूल भुलैया डोर से वो यहाँ पहुँचेंगे कैसे वो भी वो एक बिग क्वेश्चन है, पता नहीं उन लोग के पास रूट मैप होता रहा होगा, पता नहीं। अगर मिला होता तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता, मैं काफ़ी लेट रहता हूँ तो मैं कैसे बताऊँ। सही, हम लोग तो बहुत लेट पैदा हो गए, तो उन लोग से पूछ के बताते वो उसका ट्रिक कैसा था, हाँ। शायद कुछ बोर्ड लगी होगी या हो कुछ 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 सिंबल्स हुआ होगा जिसे वो लोग बताते थे। एनीवेज चलो देखते हैं, अच्छा लगता है, तो लेट्स सी ऊपर कैसे पहुंचते हैं नेक्स्ट टास्क। बहुत थक गए हम लोग, फाइनली बैठ गए इतना चल चल के, तो ये एक्चुअली वो कॉरिडोर के इस सामने की तरफ है, यहाँ से पूरा दिखता है सामने की तरफ, इमामबाड़ा का फ्रंट है ऐसा पूरा दिखता है, और यहाँ पे वो मॉस्क है जो इसका जो मॉस्क है वो यहाँ पे वो है, तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है, वी आर सिटिंग टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द इमामबाड़ा और सामने रास्ता दिख रहा है और यू कैन सी द गार्डन्स एंड ऑल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो थोड़ी देर रेस्ट करते और रास्ता ढूंढते हैं। तो आप लोगों को उधर एक बिल्डिंग दिख रहा है, वो जो मैं मेरे हाथ जहाँ दिख रहा है वो है रूमी दरवाज़ा, लखनऊ की बहुत ही फेमस एक रूमी दरवाज़ा है, रूमी दरवाज़ा, वो एक्चुअली इसका मेन एंट्रेंस वहीं था, तो कोई अगर यहाँ पे इसके अंदर आना चाहता है तो वो वहाँ से एंटर होके वहाँ गार्ड्स होते थे उसके परमिशन के साथ यहाँ आके, उस सबसे पहले एक एंट्रेंस है उधर, वो एंट्रेंस के बाद ये वाले एंट्रेंस के बाद फिर इधर आते थे, तो इतना एक सिक्योरिटी के बाद ही यहाँ आना पड़ता था। तो ये बड़ा इमामबाड़ा है और उस रोमी दरवाजे के बाहर उस साइड में तकरीबन आपका छोटा इमामबाड़ा उस साइड पे पड़ेगा, और यहाँ पे और भी बहुत जगह है, उधर भी एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे ये सब है, तो हम लोग अभी जाके देखेंगे और क्या क्या है, तो पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, दैट्स अ मेन थिंग, उसके बाद ही वो देख पाएंगे। ठीक है चलते हैं। तो हम लोग अभी ऊपर पहुंच गए, देखिए ऊपर का रास्ता है, तो यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है, तो मेरा भाई सुब्रत तो बताएगा वो क्या चीज़ है, चलो बताओ। ये ऐसी यूनिक चीज़ है, हाँ यूनिक चीज़ है, क्या है यहाँ पे, हाँ उनके सिपाही खड़े रहते थे, अच्छा यहाँ पे, हाँ ऐसे खड़े रहते थे और यहाँ से एग्जैक्टली दिखता था गेट पे कौन आ रहा है कौन नहीं, अभी जैसे वीडियो में आपको बहुत नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे
यहाँ से बाहर दिखता है बट बाहर से अंदर ही बिल्कुल ब्लैक दिखता है। अच्छा, वहाँ से जब देखता है यहाँ पूरा बिल्कुल ब्लैक दिखता है, एकदम ब्लैक दिख रहा है। और यहाँ से जो लोग सिपाही खड़े थे उन लोगों को पूरा दिखता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पता चलता था, पूरा व्यू को मिलता था कौन आ रहा कौन जा रहा है। तो दैट मींस उन लोगों को वो ये कर सकते थे, दे कैन प्लान और दे कैन फाइट, दे कैन चेक व्हाट एनिमी गैंग इज एंटरिंग इन एंटरिंग एंड ऑल दिस थिंग, वो लोग चेक कर सकते थे। Feeling young and free, gonna leave it all behind, all behind. Time goes by so fast. Time goes by so fast. There is nothing. फाइनली हम लोग बाहर पहुंच गए, नीचे पहुंच गए। इट वॉज रियली फन, यू नो। वैसे ठीक ही था, मीन अच्छा था ये पूरा महल के अंदर से भूलभुलैया रास्ता के अंदर से आना जाना, इट वॉज वेरी नाइस। तो कभी भी अगर लखनऊ आएंगे आप लोग ज़रूर आएंगे, आई नो दैट, तो इसे ऐसे ही एक्सप्लोर कीजिएगा। एक रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली यहाँ पे गाइड्स अवेलेबल है, यू कैन टेक देयर हेल्प ऑल्सो। बट उसमें एक और प्रॉब्लम दैट वी हैव नोटिस दैट गाइड्स दे नो द प्रॉपर वे, राइट। तो मीन्स आपको वो अंदर ले जाएंगे उसी तरह बाहर भी लेके, मीन्स वो जो एक्सपीरियंस है जो कि भूलभुलैया के अंदर आने का जो एक्सपीरियंस है वो शायद आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो लोग को अंदर जाने का रास्ता पता है, बाहर आने का भी रास्ता पता है। अगर आप लोग अंदर अकेले जा रहे हो या फिर इफ़ यू आर गोइंग अननोइंगली, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक हाँ ये कन्फ्यूजिंग है, हाँ बाहर निकलना मुश्किल है। तो दैट्स द एग्जैक्ट फीलिंग। तो आई रिकमेंड आप पहले बार आ रहे हो तो प्लीज़ अंदर अकेले जाइए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए विदाउट टेकिंग द गाइड और द पर्सन हु इज़ नॉट नोइंग द भूलभुलैया। अंदर जाके वो थोड़ा कन्फ्यूजन खाइए, ये है कहीं ना कहीं से बाहर निकल पाएंगे, ये लॉक नहीं हो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं से बाहर निकल पाएंगे, बट इट इज़ एन एक्सट्रीम एक्सपीरियंस। तो ज़रूर ऐसे कीजिएगा, सेकेंड टाइम यू कैन टेक एनी गाइड, सो उसके बारे में हिस्ट्री वो लोग अच्छा खासा एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो और भी यहाँ थोड़ा और विजुअल्स है, तो वी विल बी कवरिंग दैट सून। तो चलते हैं और भी आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग जगह का नाम व्हील चेक एंड कुआं है यहाँ पे, खजाने की चाबी पड़ी हुई है। हाँ, इसके अंदर खजाने की चाबी पड़ी हुई है, देयर इज अ ट्रेजर, उसका जो खुलने की चाबी है, की मैप भी है, या की यहाँ के अंदर छुपाया हुआ है, यहाँ पे कहीं छुपाया हुआ है। तो ये जो एक बिल्डिंग है ये एक्चुअली रानी लोग के लिए बनाया गया था एंड इट इज अ डुप्लीकेट ऑफ भूलभुलैया, उन्हीं इसी का ही प्रकार में बनाया गया था, एक ईरानी आर्किटेक्चर ने बनाया। तो हम लोग अभी एक गाइड का हेल्प लिया था, वो पूरा दिखाया, तो वी आर जस्ट ट्रांसलेटिंग इट, स्लोली बता रहे। तो इसका जो आर्किटेक्चर इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक आपको इसके अंदर से पूरा बाहर क्या हो रहा है वो पूरा दिखाई देता है। तो वो एक एक शॉट्स वी हैव टेकन एंड वी विल शो यू, राइट। और इसके अंदर एक तालाब है, एक छोटा सा एक पॉन्ड है, तो वहाँ पे वो लोग नया करते थे शायद, आई गेस इसके लिए यूज़ होता होगा। और ये है वो उधर जाने के लिए सीढ़ी, द मेन सीढ़ी यहाँ से ही है और अंदर से भी सीढ़ी अवेलेबल है। तो और भी अंदर जाके देखते हैं, बताया था कि ये एक भूलभुलैया का एक डुप्लीकेट है, तो अंदर भी ऐसे ही है, पूरा स्टेप से जब से भरा हुआ है। तो
तो अंदर जाके देखते हैं, कुआं दिखाते हैं। चले पहले चल के कुआं दिखाते हैं, उसके बाद वापस आके अंदर एक और बार चक्कर लगाते हैं। तो अभी हम लोग नीचे तालाब की तरफ जा रहे हैं, तो इसका खूबियत यह है कि वो जो स्टेप में जो लोग खड़े हैं वहाँ से देखा जाए तो इसका जो फ्रंट फेस है यही दिखता है। एक्चुअली इसके बैक भी एक बिल्डिंग है, वो नहीं दिखता है, वो इसमें एकदम छुपा हुआ रहता है। और ये पानी देखेंगे, ये टोटल गोमती नदी से कनेक्टेड है। हाँ, ये जो पानी है जो इसके अंदर है वो एकदम यहाँ की गोमती नदी है लखनऊ की, उससे कनेक्टेड है। तो उसमें पानी ज़्यादा कम हो तो इसमें भी वो रिफ्लेक्ट होती है। किफायत उल्लाह खान ने बनाया था, राइट? देखिए, मैंने इनको पानी के पास भेजा था। इधर आइए, थोड़ा और इधर आइए भाई जान। देखिए, जब आप पानी के पास पहुंचे थे कोई आइडिया नहीं लगा पाए होंगे, क्योंकि एक पानी गंदा मैला सा, लेकिन उसमें देखो आप लोगों का फोटो दिख रहा है। चुप हो जाओ, वो देखो लोग आ रहे हैं। जैसे घर में कलर टीवी देखते हैं, यहाँ हम लोग कैमरा लगाते हैं, तो यहाँ से आदमी का आप खड़े खड़े देखिए गैस लगा लोगे। पानी में दिख रहा है भाई, पानी में वो जो स्टेप के ऊपर से दिख रहा है। आने वाले का गैस था, नवाब आर्मी का ब्लैक होता था, ब्रिटिश लोग का रेड, तो ये यहाँ से पानी हेल्प कर देता होगा। जैसा कि आपको मालूम है कैमरा कहाँ होता था ऑल टाइम, है टेक्निक। अब आइए, चोर दरवाजा दिखाने जा रहे हैं, आ जाइए। यहाँ से देख के बताइए कि सामने का गेट खिड़की दिख रहा है या नहीं, किसी से दाखिल होगा जैसे कोई बंदा, तो उसका हम यहाँ से सीधा टारगेट यानी कि निशाना बना सकते हैं। लेकिन उधर वाला जब देखता है इस तरफ, कुछ नहीं दिखा, उसको ये एरिया नहीं दिखेगा। तो इसके जो टिकट्स के बारे में आपको बताया नहीं, तो वो भी बता देते हैं, इसका प्राइसेस कितना है। एंट्री टिकट यहाँ पे इसमें आपको सब कुछ मिलेगा 50 रुपीस में पर हेड एज ऑन 2019। 50 रुपीस में क्या क्या एंट्री मिलता है यहाँ पे? 50 रुपीस में आपको पर हेड में आपको भूल भुलैया पूरा घूमने को मिलेगा। बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी, और पिक्चर गैलरी ये बावली भी, बावली भी हाँ इंक्लूडिंग, बावली भी इंक्लूडेड है। और क्या एक्सपेंस है? ये जो एक्सपेंस है, अगर ये जो ये गाइड है, गाइड का जो एक्सपेंस वो सेपरेट है, वो 100 रुपीज़ रहता है। 100 रुपीज़ का 2% का होता है, और बावली में अगर चाहिए तो वो 20 रुपये में भी आ जाता है। डिपेंड्स, वो आप यहाँ का अगर चाहिए तो आप यू कैन टेक इट। और शूज़, अगर आपको शूज़ रखना हो तो वो रखने का भी जगह है, वो 2 रुपीज़ पर पेयर, एज ऑफ नाउ इट इज़ 2 रुपीज़ पर पेयर। तो वो है अभी का फेयर का जो इंफॉर्मेशन। तो एपिसोड लखनऊ से, तो लखनऊ में बहुत सारे चीज़ें हैं देखने के लिए, एक एपिसोड में जोन भी कवर्ड। तो हम लोग सोच रहे हैं, लेट्स सी, एक और एपिसोड अपलोड करने के लिए सोच रहे हैं, अगर हो पाएगा तो वी विल डू इट। अभी हम लोग एक्चुअली एक रोड साइड में बैठे हैं एंड हैविंग दिस टू रोल और सैंडविच खा रहे हैं। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।